हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंडिया शांतिकुंज ऑनलाइन क्लास। बच्चों आज हम करेंगे चैप्टर 9 पीटर ऑफ हर्लिम के क्वेश्चन आंसर। ओके, क्वेश्चन 1 देखिए। हु वाज पीटर, व्हाट हैड ही ईटन फॉर डिनर। पीटर कौन था और वो डिनर में क्या खाता था। पीटर वाज अ लिटिल बॉय, ही एट्स केक एट डिनर। उसने क्या खाया डिनर में, केक। What present was Peter carrying for the old man? Old man के लिए, बूढ़े आदमी के लिए पीटर क्या प्रेजेंट लेके जा रहा था। Peter takes the cake for the old man and hears stories। उसके लिए केक लेके जा रहा था और उसने उनकी स्टोरी सुनी। What is the meant by the line, a force as mighty as a giant crops made him turn back again? आपको इस लाइन की मीनिंग बतानी है। इट वॉज एज माइटी एज अ जेंट्स क्रॉप्स मेड हिम टर्न बैक अगेन मीन्स दैट द लाइन फ्लड वाटर वॉज इन फुल फ्लो। पीटर वॉज स्टिल पुटिंग इट्स फोर्स टू स्टॉप इट। फर्स्ट एज अ जेंट एक्सर्ट हिज फुल पावर टू केयर अ ह्यूमन इन द सेम वे दैट द फ्लड देयर वॉज वॉटर ही वॉज अप्लाइंग हिज फुल स्ट्रेंथ टू कम टू द अदर साइज। उसने क्या किया, उस बाढ़ के पानी को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी, पूरी फोर्स लगा दी उसको रोकने के लिए, और उस साइड से भी जो बाढ़ का पानी आ रहा था वो ह्यूमन बींग की तरह इसमें बताया गया है। तो उसने भी क्या किया, उसने भी वहां से ताकत लगाई पानी को इधर आने के लिए, और इधर से पीटर ने भी। क्वेश्चन 4 देखिए। व्हाट वाज सिग्निफिकेंट अबाउट द ट्रिकलिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। द फ्लड वाटर वॉज पुटिंग इट्स फुल फोर्स टू कम टू द अदर साइड बट पीटर वॉज ऑल्सो पुटिंग ऑल इट्स स्ट्रेंथ टू स्टोक दैट वाटर। देर वॉज अ स्ट्रगल बिटवीन द टू एंड्स, इन द एंड पीटर विन स्टॉपिंग द वाटर बी सक्सेसफुल। इसमें वो ये था कि जो पीटर था उसने भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ पूरी पावर लगा दी उस पानी को रोकने के लिए, और दोनों के बीच में ये स्ट्रगल चल रही थी। वहां उस साइड से भी वाटर का फोर्स आ रहा था और इस साइड से पीटर का फोर्स। तो लास्ट में क्या हुआ, पीटर जीत जाता है अपने स्ट्रगल में। ओके, क्वेश्चन 5 देखिए। हाउ डिड पीटर कीप हिज स्पिरिट्स अप। उसने अपनी स्पिरिट कैसे ऊंची की, कैसे उसको साहस मिला। When Peter is stopping the water of the flood at night, his courage is broken and he is very tired. But then he remembered the mother saying that God is always with those who do good. And then that God and remember the way Peter keep his spirit alive. उसने क्या बोला, उसकी मम्मी ने उससे कहा था कि गॉड उसी की हेल्प करता है जो अपनी हेल्प खुद से करते हैं। ये स्पिरिट उसने अपने अंदर जिंदा रखी कि गॉड हमेशा हेल्प करते हैं हमारे जब भी हमारे अंदर कोई मुसीबत आती है। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द डिफिकल्टीज बाई पीटर ड्यूरिंग द नाइट। उस रात पीटर ने क्या डिफिकल्टीज फेस की, हमें उस चीज को अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। पीटर ट्राइज हिज बेस्ट टू स्टॉप द फ्लड वाटर बट ही फेल्स। फाइनली ही पुट हिज फिंगर इन द होल फ्रॉम वेयर द वाटर फ्लोइंग एंड द वाटर स्टॉप फ्लोइंग। पीटर ने पूरा अपना बेस्ट कोशिश की फ्लड वाटर को रोकने के लिए, लेकिन वो फेल हो गया। फिर उसने फाइनली क्या किया, उसमें अपनी फिंगर लगा दी उस होल में। इन दिस वे पीटर सिट्स अप ऑल नाइट एंड इज इन अ लॉट ऑफ पेन बट ही एंडोर्स ऑल द पेन एंड रिमेंबर गॉड। उसने क्या किया कि उस होल में फिंगर लगा के रात भर वहीं पे बैठा रहा, बहुत ज़्यादा दर्द के साथ वहीं पे बैठा रहा, और उसने भगवान को याद एंड प्रोटेक्ट हिज टाउन, और अपने टाउन को बचा लिया। हाउ डिड पीपल डिसाइडेड टू कीप द फ्लड बैक। ही पुट हिज फिंगर इन द होल फ्रॉम वेयर द वाटर फ्लोइंग एंड द वाटर स्टॉप फ्लोइंग। जहाँ से पानी बह रहा था उसने क्या किया, वहाँ पे अपनी फिंगर लगा दी और उस तरीके से फ्लड के वाटर को उसने रोक लिया, वापस से भेज दिया फ्लड के वाटर को वहाँ पे। ओके, तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने हैं, लर्न करने हैं, अपनी कॉपी में लिखने हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।